ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 209 रनों से हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला जीत लिया है। इस हार के साथ ही टीम इंडिया का 2013 के बाद फिर से आईसीसी ट्रॉफी जीतने का सपना टूट गया है। 444 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की दूसरी पारी 234 रनों पर सिमट गई। विराट कोहली ने सर्वाधिक 49 रन बनाए, वहीं रहाणे के बल्ले से 46 रन निकले। ऑस्ट्रेलिया के लिए नाथन लॉयन गेंद से स्टार रहे, जिन्होंने दूसरी पारी में सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। मालूम हो कि टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 479 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर बनाया था। कंगारुओं के लिए ट्रेविस हेड मैच के हीरो रहे, जिन्होंने पहली पारी में सर्वाधिक 163 रन बनाए। वहीं स्टीव स्मिथ ने 121 रनों की पारी खेली। टीम इंडिया की पहली पारी 296 रनों पर सिमट गई थी। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 270 रन बनाए थे। ट्रेविस हेड को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने कर्नाटक की जनता से 5 चुनावी वादे किए थे, जो गेम चेंजर साबित हुई। कांग्रेस ने बीजेपी को पिछाड़ते हुए सरकार बना ली, वहीं अब कांग्रेस एक एक कर चुनावी वादों को पूरा करने में लगी है। शक्ति स्कीम को लॉन्च करते हुए कांग्रेस ने अपना पहला चुनावी वादा पूरा कर दिया है। इस स्कीम के तहत अब महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकती हैं। शक्ति स्कीम के लॉन्च किए जाने पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज से कर्नाटक में हर महिला के लिए बस यात्रा निशुल्क, एक और गारंटी हुई पूरी। कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट के नए सियासी ऐलान पर ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है। हालांकि रविवार को अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर दौसा के भड़ाना में श्रद्धांजलि सभा में उन्होंने सीएम अशोक गहलोत पर फिर से निशाना साधा। सचिन पायलट ने कहा कि उनकी लड़ाई करप्शन के खिलाफ है। पिताजी ने भी हमेशा नौजवानों के साथ काम किया था, उनके लिए जनहित के मामले सर्वोपरि होते थे। अपने स्वाभिमान और आदर्शों के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। पायलट ने कहा कि उनकी राजनीतिक सोच स्पष्ट है, लेकिन भविष्य में निराशा दिखती है, इसलिए अब काम करने का मन नहीं करता। रविवार को छत्तीसगढ़ में एक बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। ऐसी सिया जोन के बिलासपुर में एक ही ट्रैक पर मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन आमने सामने आ गई। अच्छी बात यह रही कि दोनों ट्रेनों के बीच 150 से 200 मीटर की दूरी रही, जिस कारण कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जैसे ही यात्रियों को इस बारे में पता चला, कई यात्री ट्रेन से उतरकर इस घटना का वीडियो बनाने लगे। इस हादसे पर रेलवे ने स्पष्टीकरण भी दिया है।